Hey everybody, this is Jitendra, and in this video I gonna discuss how to work on lights. So without any further ado, let's get started. सबसे पहली चीज़ है, आपके पास एक रॉ फुटेज होना चाहिए, एक इमेज होना चाहिए जिस पे हमें वर्क करना है. जैसे कि हमारे स्क्रीन पे एक है, इस पर वर्क करने के लिए चले मैं इसे जल्दी से अनलॉक कर लेता हूँ. अनलॉक करने के बाद मैं इसे कॉपी लेयर बना के रख देता हूँ. उसके बाद जो बल्ब है आपके पास यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है, ये बल्ब जो है ना, इस पर ठीक है, ये ऑलरेडी जल रहा है, बट इसका जो लाइट है वो थोड़ा कम है. इसको अगर हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें अप्लाई करना पड़ेगा. तो सबसे पहले एक न्यू लेयर आपको लेना है, और आपको ये ध्यान रख, लेयर में आप क्लिक करोगे तो आप लेयर स्टाइल पर जा सकते हैं. लेयर स्टाइल में जाने के बाद सबसे पहले चीज़ है ब्लेंड मोड. ब्लेंड मोड में जा कर के जो आप टाइप यूज़ करोगे ब्लेंडिंग का, वो यूज़ करोगे कलर डॉज. ठीक है, कलर डॉज यूज़ करने के बाद यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी शेप लेयर है, इसे आप डिसेबल कर दोगे यानी ऑफ कर दोगे, और आपको करना है ओके. ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो मैं अभी बता रहा हूँ उससे पहले. इसके बाद आपको ये देखना है कि जो आपके पास फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का कलर ऑप्शन है, इसमें डिफ़ॉल्ट जो कलर है ब्लैक और वाइट, ये दोनों होने चाहिए. डिफ़ॉल्ट कलर के लिए हम डी यूज़ कर सकते हैं, डी शॉर्टकट है. और सपोज़ कोई दूसरा कलर अगर यहाँ पे पिक किया हुआ, डी बटन हम प्रेस करेंगे तो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, शॉर्टकट है. और इसके साथ साथ अगर हम एक्स प्रेस करें तो एक्स जो है बटन, वो प्रेस करने से आप टॉगल कर सकते हैं इन दोनों के बीच में, या फिर आप यहाँ से भी क्लिक करके स्विच कर सकते हैं. तो एक बार आपने लेयर स्टाइल में जाके ब्लेंडिंग मोड को कलर डॉज रख लिया, ट्रांसपेरेंसी को वहाँ पे ऑफ कर दिया जैसे मैंने भी बताया. उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रश टूल यूज़ करना है, और कलर जो है फोरग्राउंड पे वो वाइट रखना है. इसके बाद ब्रश के जो टाइप्स हैं उसमें आप ये जो ब्रश है, ये वाला ब्रश जनरल ब्रश को पिक करोगे, सॉफ्ट ब्रश है. ब्रश के साइज़ को आप ब्रैकेट से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो, और आपको सिंपली क्लिक करना है. बट क्लिक करने से पहले ओपेसिटी 100% होनी चाहिए, और फ्लो जो है वो 5 to 6% आप रखोगे, ज़्यादा नहीं रखोगे. सपोज मैं 5% कर देता हूँ, और सिंपली यहाँ पे हम क्लिक करेंगे. इसे आपको 2-3 बार क्लिक करना है. जितना ज़्यादा हम क्लिक करेंगे उसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ती जाएगी. ब्रश के साइज़ को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं. आपको चेंज थोड़ा सा दिख रहा होगा, मैं मल्टीपल टाइम्स क्लिक करता जा रहा हूँ. अगर मैं इसे ऑफ करूँ, देखिए इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, अभी आप इसमें और एक काम कर सकते हो कि एक न्यू लेयर आप यहाँ पे ले लोगे, और उस नए लेयर पे जाने के बाद जो ब्रश है आप इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो, और यहाँ पे हम सिंपली क्लिक कर सकते हैं. थोड़ा सा आप लाइट देख सकते हो, थोड़ा सा और. अगर ब्रश के साइज़ को हम बड़ा करें, इसी तरीके से फिर से हम क्लिक करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा, फिर क्लिक, थोड़ा सा और बड़ा, फिर क्लिक, फिर थोड़ा सा और बड़ा और क्लिक. तो जैसे भी आप इसको बड़ा थोड़ा करोगे, थोड़ा सा इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाओगे. तो इस तरीके से एक इफ़ेक्ट है वो हम जनरेट कर सकते हैं. यहाँ पे आप इस इफ़ेक्ट के थ्रू से इसकी ओपेसिटी वगैरह थोड़ा कंट्रोल आप कर सकते हो. अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा लाइट है तो थोड़ा कम ज़्यादा आप कर सकते हो, क्योंकि बल्ब जब जलेगा तो इसके आसपास में जो है वो लाइट्स होंगे. तो इन दोनों चीज़ों को हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं. तो ये एक ऑप्शन है वो काफ़ी यूज़ किया जाता है. बहुत सारे ऐसे आपको वर्क करने पड़ेंगे जहाँ पे आपको मैनुअल लाइटिंग पे काम करना पड़ेगा, मैनुअल लाइट सेट करना पड़ेगा. इन दैट सिचुएशन आपको ये टूल काफ़ी हेल्प करेगा. चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं. अभी मैं फिर से एक और इमेज यहाँ पर ले आ रहा हूँ, और जैसे कि ये एक CFL है. इस CFL पे हम लाइट ऐड करना चाहेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बैकग्राउंड को डबल क्लिक करके अनलॉक करना है. अभी मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, मतलब ये एक तरीका जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा एक और तरीका है. आप कीबोर्ड में शॉर्टकट Ctrl Shift और N प्रेस करेंगे तो वो एक न्यू लेयर लाने का ऑप्शन होता है, जैसा कि हम सभी को पता है. और यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर मोड जो है इसमें जाके हमें वंस अगेन फिर से कलर डॉज पिक करना पड़ेगा. तो कलर डॉज हम पिक कर लेंगे, और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है. ये ऑप्शन कहलाता है फिल विद कलर डॉज. यहाँ पे ब्लैक होगा, तो इसकी हम इसको चेक ऑन करेंगे, ओपेसिटी 100% होगी, और हम क्लिक करेंगे ओके बटन पे. ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यू लेयर हमारे पास आ गया है, बट इस यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लेयर है ना वो ब्लैक कलर का है. अब फिर से हम क्या करेंगे, ब्रश को यूज़ करेंगे. ब्रश जो है वो राइट क्लिक करके वंस अगेन हम लोग चाहें तो ब्रश के स्ट्रोक को चेंज कर सकते हैं. साइज़ को थोड़ा हम कम कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग. साइज़ को हम ब्रैकेट्स यूज़ करके भी कम ज़्यादा कर सकते हैं. और अभी आप देखिए कि CFL जो है वो पहले से ही जल रहा है. ठीक है, बट वो लाइट या उसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम है. तो इसको हम ब्रश के साइज़ को अकॉर्डिंगली हम मेंटेन कर लिए, मतलब कि जितना बड़ा CFL का साइज़ है हम अपने ब्रश के साइज़ को भी इंक्रीज़ करके उतना ही बड़ा रख लिए। लेयर हमारा वन जो है वो सिलेक्टेड होगा और हम इस पर सिंपली क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो ग्लो है वो बढ़ेगा। 1 सेकेंड आपको ध्यान रखना है कि ग्लो हमेशा 5% रहेगा, ओपेसिटी हमेशा 100% होगी। इसी तरीके से मल्टीपल टाइम्स जब हम क्लिक करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ती जाएगी। तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना है, बस 2-3 बार क्लिक करके थोड़ा इंटेंसिटी को आप इंक्रीज़ कर सकते हो। इसके साथ अगर आपको बाहर में जो लाइट का जो इफेक्ट है वो क्रिएट करना है तो 1 सेकेंड हम फिर से एक न्यू लेयर हम यहाँ पे लेंगे और इस लेयर में जाने के बाद थोड़ा सा ब्रश के साइज़ को आप यहाँ से बड़ा कर लो और सिंपली हम इसको क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा करते जाओगे, क्लिक करते जाओगे। तो इस तरीके से हम लोग जो लाइटिंग का इफेक्ट्स है वो मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से लाइट्स के इफेक्ट पे हम वर्क करेंगे। और भी कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कोई ज्वेलरी है या फिर कोई ऐसा ग्लास है जहाँ पे हमें कुछ इस तरह का रिफ्लेक्शन क्रिएट करना है जो लाइट से रिलेटेड है। और ज्वेलरी में जो ग्लो इफेक्ट होता है या फिर जो चमक होता है जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ें भी आप मैनुअल क्रिएट कर सकते हैं। क्या आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स पे, ताकि मुझे पता चले कि आपको और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फोटोशॉप से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, प्लेलिस्ट पे जाके आप ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलते रहें। दैट्स ऑल गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।